माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन दिस, और ये वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा पाई साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। अब कॉस की डेरिवेटिव जो होती है वो माइनस साइन होती है, तो कॉस एक्स को अगर टी मानेंगे तो माइनस साइन एक्स डीएक्स डीटी हो जाएगा। तो ये आई वन आ गया हमारे पास पाई बाई टू, और ये हमने लिख दिया साइन एक्स डीएक्स को माइनस डीटी लिख दिया। नीचे आ गया वन प्लस टी स्क्वायर, लिमिट अब टी पे आएगा, जीरो रखोगे तो वन आएगा और पाई रखोगे तो ये माइनस वन आएगा। माइनस को लगा देंगे लिमिट को इंटरचेंज करने में, तो ये पाई बाई टू ये बन जाएगा माइनस वन से वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। ये इवन फंक्शन है तो टू बाहर निकल जाएगा, या डायरेक्ट लगा दो या टू बाहर करके कर दो। इसका टू बाहर हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई जीरो से वन डी टी अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर। तो पाई ये आ गया टेन इनवर्स टी जीरो से वन, तो ये पाई वन रखेंगे तो पाई बाई फोर, जीरो रखोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू पाई स्क्वायर बाई फोर हो गई बच्चे, और आई जो निकालना था वो फोर आई वन था, तो फोर इंटू आई वन की वैल्यू आ चुकी है पाई स्क्वायर बाई फोर, तो आंसर पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ में आया? यस सर। इस पूरे का नाम जो है, मान लो हमने आई दे दिया इसका, ये फोर आई वन है, हमको फोर आई वन निकालना था। तो ये बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन है बच्चे, इसको आप कर सकते हो। सेकंड है बोर्ड के हिसाब से, पहले आईटी में आया हुआ है, जीरो से वन टेन इनवर्स वन अपॉन वन माइनस एक्स एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये क्वेश्चन हो वन अपॉन में हो, हमारे पास रिजल्ट है इनवर्स में, हमने पढ़ा है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई वन प्लस, अगर एक्स वाई रहता है तो इसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, हम इसी का यूज करेंगे बच्चे। तो जीरो से वन टेन इनवर्स, नीचे में देखो ये वन है और इसमें अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो ये एक्स माइनस वन आता है, तो ये देखो वन प्लस एक्स वाई बन गया। एक्स और वाई का डिफरेंस यहां पे लिख लो, वन को हम ऐसे लिख सकते हैं, वंशिका अतुल, यस क्लियर है बेटा यहां तक? सर। ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई है, वन प्लस एक्स वाई है, तो इसको हमने लिख लिया जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वन डीएक्स, और ये हो गया जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डीएक्स, दो पार्ट में कर दिया, जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स माइनस वन डीएक्स। अब क्या करो, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो बच्चे, एक्स को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो, लिमिट का सम माइनस एक्स से, तो यहाँ पे जैसी वन माइनस एक्स आएगा ना तो वन वन कैंसिल होगा और ये माइनस एक्स आ जाएगा, वो माइनस बाहर निकाल लेना तो ये प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया? ये जीरो से वन है टेन इनवर्स एक्स डी एक्स है माइनस, हमने एक्स को रिप्लेस किया
लिमिट का सम माइनस एक्स से, मतलब वन माइनस एक्स किया तो यहाँ माइनस है, ऐसे वन वन कैंसिल होगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसका माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डबल ऑफ जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब टेन इनवर्स एक्स के इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं, ये डबल निकालना है। नाउ एक मिनट बैठे, नाउ जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स निकालते हैं बच्चे। इनवर्स फंक्शन है, बाई पार्ट्स लगेगा। आईलेट में इनवर्स सबसे पहले आता है, ओबीएस इसको यू मानना पड़ेगा, इसको वी मानना पड़ेगा। वन को वी मान के बनाओगे, यू को छोड़ दिया, वी को इंटीग्रेट किया, लिमिट यहीं पे रखो जीरो से वन माइनस जीरो से वन, जिसको यू माना था डिफरेंशिएट कर दिया बच्चे, टेन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशिएशन हो गया। और जो आपने इंटीग्रेट किया था वो यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे एक्स डी एक्स आ जाएगा। इसमें वन पुट किया तो टेन इनवर्स वन पाई बाई फोर हो गया, जीरो पे तो खत्म ही हो जाएगा। माइनस यहाँ पे देखो, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, डेरिवेटिव से लिंक कर लो, टू से यहां मल्टीप्लाई किया, टू से डिवाइड कर दिया। इसका फायदा ये हुआ कि इस फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स है, तो नीचे वाले को टी मानोगे तो ऊपर डी टी आएगा, ऊपर डी टी नीचे टी, तो ये हो गया लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा जीरो से वन। तो पाई बाई फोर माइनस हाफ, वन रखोगे तो ये लॉग टू आएगा और जीरो रखोगे तो लॉग वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये हो गया पाई बाई फोर माइनस हाफ लॉग टू। तो यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा डबल ऑफ पाई बाई फोर माइनस हाफ लॉग टू, तो ये पाई बाई टू माइनस एल एन टू हो जाएगा। ये समझ में आया? बोलो बच्चे। यस सर। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आपसे ये भी कह सकता है कि इवेलुएट द इंटीग्रल जीरो से वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। जरा इसकी वैल्यू निकाल के फटाफट बताओ, जब ये वाला क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये वाले का आंसर निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू बतानी है। एग्जाम में आएगा तो पूरा बनाओगे, लेकिन अभी आप तुरंत निकाल के मुझे बताओ कितना आएगा।
बताओ बच्चे, विनीत, आर यू सी? यस सर। बताओ बेटा बना के। अर्पित, अर्पित का तो मोबाइल ही खराब है। अमोद, अतुल, आपका इसका रिजल्ट पता है तो इसको इसमें चेंज कर लो ना बच्चे। चेंज करने में क्या हो रहा है? इसको ऐसा कर लो बच्चे, इसको नीचे में ले जाना है। ये तभी नीचे में जाएगा जब ये कॉट इनवर्स में रहेगा। यू नो दैट कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये पाई बाई टू होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर। इसका यूज करो बच्चे। तो ये हो गया जीरो से लेके वन। टेन इनवर्स एक्स को लिख दिया पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स लिख दिया। और ये पाई बाई टू डीएक्स, डीएक्स का एक्स आएगा, लिमिट रख के पाई बाई टू ही आएगा। माइनस ये जीरो से वन है, कॉट इनवर्स वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स है। और पाई बाई टू माइनस जीरो से वन, इस कॉट इनवर्स को लिख दिया टेन इनवर्स में वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और जैसे उस क्वेश्चन को हमने बनाया था वो पूरा का पूरा बनाओगे बच्चे, तो उसकी वैल्यू आई थी पाई बाई टू माइनस लॉग टू आया था, तो इसका आंसर लॉग टू हो जाएगा बच्चे। यशस्वी, समझ में आया बेटा? यस सर। हमने टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, इसका हमने यूज किया बच्चे। नेक्स्ट है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 39 नंबर है, उसमें लिमिट नीचे गलत दिया हुआ है, उसको चेंज कर लेना। एफ एक्स है हमारे पास वन से लेके एक्स तक, लॉग टी अपॉन वन प्लस टी डी टी, एफ एक्स ऐसे डिफाइन किया गया है। तो कह रहा फाइंड फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। ये फंक्शन में भी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप डेफिनेट जान चुके हो तो कर सकते हो। एफ एक्स ये है, फाइंड फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, एंड सो दैट एफ ई प्लस एफ वन बाई ई ये हाफ के बराबर होगा। ये क्वेश्चन है। एफ एक्स ये दिया हुआ है, एफ वन बाई एक्स निकाल लो, पहले ये फंक्शन निकाल लो, उसमें एक्स इक्वल टू ई रखोगे ये रिजल्ट आ जाएगा।
इसको ट्राई कीजिए पहले, ये एफ एक्स दिया हुआ है, एफ वन बाई एक्स होगा, एक्स की जगह वन बाई एक्स आ जाएगा, फिर दोनों को आप ऐड करो, फिर देखो क्या आता है। एफ एक्स गिवन है, आसान है बच्चे, कर सकते हो। एफ एक्स है वन से एक्स लॉग टी वन प्लस टी डी टी है, एक्स की जगह वन बाई एक्स रखा तो ये वन से लेके वन बाई एक्स लॉग टी अपॉन वन प्लस टी डी टी हो गया। अब ये दोनों ऐड तभी हो पाएगा जब लिमिट सेम होगा, अदरवाइज ये ऐड ही नहीं हो पाएगा। जब तक लिमिट सेम नहीं होगा तो एडिशन नहीं कर पाओगे। तो लिमिट सेम करने के लिए ये एक्स बन जाए और ये वन ही रहे, ये तभी होगा जब सब्स्टिट्यूशन आप ऐसा करोगे, जेड को ले लिया वन बाई जेड ले लिया, सॉरी टी को ले लिया वन बाई जेड ले लिया इसमें, ताकि लिमिट उल्टा होने पर ये वाला आ जाए। देखो इसका रेशियोपोकल एक्स है, वन का भी रेशियोपोकल ये है, तो हमने टी को वन बाई जेड मान लिया, तो यहां से डी टी हो जाएगा माइनस वन बाई जेड स्क्वायर डी जेड होगा। चेंज कर देते हैं, ये लॉग वन बाई जेड हो गया, डी टी हो गया माइनस वन बाई जेड स्क्वायर डी जेड हो गया, और ये आ गया वन प्लस वन बाई जेड। टी की वैल्यू वन होगी तो उस समय जेड वन होगा, और टी की वैल्यू वन बाई एक्स होगी तो जेड की वैल्यू एक्स होगी। और हम इसको लिख सकते हैं वन से लेके एक्स, ये वाला बन गया माइनस लॉग जेड बन गया, और ये माइनस वो हट गया, तो ये लॉग जेड इंटू वन बाई जेड स्क्वायर है, और यहां से आया जेड प्लस वन बाई जेड आया डी जेड, तो ये बन जाएगा वन से लेके एक्स, एक जेड कैंसिल होगा, और ये लॉग जेड अपॉन जेड इंटू जेड प्लस वन डी जेड आ जाएगा। प्रॉपर्टी यूज कर दिया, अब जेड की जगह एक्स रखो टी रखो वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे हमने लिख दिया वन से लेके एक्स, हमको ऐड करना है तो जेड को टी में हमने रख दिया, ये इक्वल होगा दोनों लॉग टी टी वन प्लस टी डी टी, ये एफ वन बाई एक्स आ गया, ये सेकेंड रिलेशन। एफ एक्स हमारे पास है, एफ वन बाई एक्स आ गया बच्चे, अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, लिमिट सेम होने से ये ऐड हो जाएगा। अब ये देखो लॉग टी बाई अपॉन, ये वाला दोनों में है तो ये कॉमन हो जाएगा, लॉग टी अपॉन वन प्लस टी कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा और यहां से वन बाई टी बचेगा, तो ये आ गया वन से लेके एक्स लॉग टी अपॉन टी डी टी आ गया। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि लॉग का डेरिवेटिव वन बाई टी होता है, अगर आप इसको जेड मानोगे तो बाकी डी जेड हो जाएगा, ये जेड तो ये डी जेड, जेड डी जेड का हो जाता है जेड स्क्वायर बाई टू, तो ये लॉग टी का स्क्वायर बाई टू होगा। लिमिट हमको रखनी है वन से एक्स तक, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स का स्क्वायर बाई टू आ जाएगा, माइनस वन रखने पे जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास फंक्शन निकल गया एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू आ गई लॉग एक्स का स्क्वायर बाई टू हो गया, तो एक्स की जगह अगर ई रखेंगे
तो e पे log की वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये हाफ हो जाएगा बच्चे। तो एफ ई प्लस एफ वन बाई ई की वैल्यू हाफ के बराबर हो जाएगी। यहां तक समझ में आया? बोलो बच्चा। यस सर। नेक्स्ट लेते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है कि एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स, स्मॉल एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स, ये दिया रहेगा, जहां पे एफ एक्स दिया रहेगा वन से एक्स लॉग टी अपॉन वन प्लस टी डी टी, देन एफ कैपिटल ई इक्वल्स ए वन टू सी ऑप्शन हाफ डी ऑप्शन जीरो। तो अभी आपने देखा था कि एफ कैपिटल ई मतलब एफ ई प्लस एफ वन बाई ई, इसकी वैल्यू हाफ आई थी, तो इसको टिक कर दोगे बच्चे, लेकिन बनाना पड़ेगा, वो मेथड समझ में आना चाहिए जो अभी हमने डिस्कस किया था। माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू है, एक्स प्लस पाई का क्यूब है, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई है डीएक्स, ये निकालना है, इसको ट्राई करो। माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, एक्स प्लस पाई का क्यूब है प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री पाई डीएक्स है। ये माइनस थ्री पाई बाई टू से लेके माइनस पाई बाई टू है, अगर इसमें पाई ऐड करोगे तो ये पाई बाई टू पे पहुंच जाएगा, और इसमें अगर हम पाई ऐड करेंगे तो माइनस पाई बाई टू पे पहुंच जाएगा, तो ये माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू चला जाएगा बच्चे। तो आप इसको बनाने के लिए एक्स प्लस पाई को टी मान के बना सकते हो, ट्राई कीजिए, एक्स प्लस पाई को टी मान के बनाइए जरा और आंसर बताओ क्या आएगा। ट्राई करो बच्चे।
आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा। हिंट के लिए मैंने बोला कि x प्लस पाई को t मान लो, तो यहां से dx हो जाएगा dt, तो ये बन गया t क्यू प्लस cos स्क्वायर, ये आ जाएगा 2π प्लस पाई प्लस x को हमने t माना है तो 2π प्लस t आएगा और dx dt हो गया बच्चे। लिमिट माइनस 3π बाई 2 करने से ये माइनस पाई बाई 2 होगा और ये पाई बाई 2 होगा। माइनस a से प्लस a है, इवन ऑड के बारे में सोच सकते हो। ये माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 टी क्यू प्लस कॉस 2π प्लस थीटा कॉस थीटा होता है तो ये कॉस स्क्वायर t है dt है। ये वाला ऑड फंक्शन है, ये वाला इवन फंक्शन है, तो ये वाला खत्म हो जाएगा और माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी आ जाएगा। ये इवन फंक्शन है तो डबल ऑफ 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी डी टी लिखेंगे बच्चे। अब ये वाला हो गया 0 से पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर टी को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 टी बाई 2, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। इसके इंटीग्रेशन में आएगा टी प्लस साइन 2 टी बाई 2 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 अगर हम रखेंगे तो ये पाई बाई 2 और ये पाई का मल्टीपल होने से खत्म हो गया और आगे जीरो रखोगे तब भी खत्म हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो पाई बाई 2 आ जाएगा बच्चे। समझ में आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, px एक फंक्शन है सच दैट p'x इज इक्वल टू p'(1 माइनस x) गिवन है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1 p0 की वैल्यू 1 है, p1 की वैल्यू 41 है, देन px dx 0 से 1 इज इक्वल टू, इसको निकालना है 0 से 1 px dx की वैल्यू निकालनी है बच्चे, इसको ट्राई कीजिए। अच्छा, लेट से आए हो क्या क्लास में? नहीं सर, स्टार्टिंग से ही हूँ। अच्छा, बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? कर लो बच्चे, आसान क्वेश्चन है।
आया किसी का? ट्वेंटी वन सर। ट्वेंटी वन। और किसी का? देखो बच्चे, पी डैश एक्स इज इक्वल टू पी डैश वन माइनस एक्स दिया हुआ है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन पी एक्स होगा, इसका क्या होगा पी वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का जो होगा के चक्कर में एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये माइनस आएगा। हाँ या ना? देखो ना, इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका आ गया पी डैश, और इसका होगा पी डैश वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का माइनस वन, तो आगे माइनस होने से तब ये हो जाएगा, और आफ्टर इंटीग्रेशन ये सी आ गया। ये समझ में आया भाई? देखो ना, इसको इंटीग्रेट कर लिया, पी डैश एक्स का पी एक्स हो गया, इसका ये हो जाएगा, x की जगह यह लीनियर होने से x के कोफिशिएंट से माइनस वन से डिवाइड किया है, तो यहां पे पी एक्स प्लस पी वन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू c के बराबर हो गई, कांस्टेंट निकल जाएगा तो काम खत्म। अब कांस्टेंट के लिए दिया हुआ है यहां पे पी जीरो वन दिया हुआ, पी वन की वैल्यू 41 है, तो इसमें x की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो p0 प्लस p1 c के बराबर आएगा, तो यहां से c की जो वैल्यू आ गई वो 42 हो गई, तो हमारे पास ये आ गया कि px और p1 माइनस x c के बराबर है, मतलब 42 के बराबर है, इसका ये मीनिंग हुआ। अब जो निकालना है जीरो से वन पी एक्स डी एक्स, ये निकालना है, तो एक्स को रिप्लेस कर दिया लिमिट के सम माइनस एक्स से, दोनों को ऐड कर दिया, तो टू वाई इज इक्वल टू जीरो से वन पी एक्स प्लस पी वन माइनस एक्स डी एक्स होगा, और इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 42 दी हुई है, तो 2y इज इक्वल टू 42 बाहर हो गया 0 से 1 dx, तो i की वैल्यू 21 आ जाएगी। ठीक है, बोलो बच्चे। यहां तक क्लियर है ना? अमोद, अमोद, यस सर, समझ में आ रहा है कि सोए हुए हो घर में? नहीं सर, आ रहा है। पक्का? यस सर। ओके। अतुल, अतुल, यस सर, समझ में आया बेटा ये? यस सर। विक्रांत, मैं फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, ठीक से इसको रिवाइज करो, कमिंग वीक में फंक्शन रिवीजन करवा देंगे, लेकिन ये चैप्टर कम से कम खत्म कर देंगे ना, उधर इनडिफिनिट खत्म कर रखा है, डेफिनिट उधर एओडी खत्म, सिलेबस भी आ गया ना, स्कूल खुल जाएगा फिर से रिवाइज करा दूंगा, लेकिन ये अभी तो करो पूरा। यहां तक ठीक है ना? चलो मैं फोटो क्लिक करके भेजता हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ।